Hello everyone, a very good evening. Welcome to Agriculture Adda 24/7. Agriculture Adda 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार BAO SDAO का दोनों दिन का एग्जाम्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आज एग्रीकल्चर का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आपको बताया था कि आप लोगों को आंसर की जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस सेशन को फटाफट से जो है स्टार्ट करते हैं। एंड पेपर 1 जैसे कि आपको पता है कि कंप्लीट मिक्स एग्रीकल्चर है और पेपर 2 जो है दैट वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस है। तो सर बिल्कुल सर, पेपर बच्चों ने बहुत मतलब अच्छे अच्छे फीडबैक दिए हैं। फीडबैक क्या सर, सबसे ज़्यादा खुशी की बात तभी होती है जब आप पढ़ाओ और पढ़ाया हुआ आ जाए। बिल्कुल है ना। और अभी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जिसमें हम लोग अभी आंसर्स भी बताएंगे, पेपर 1 के भी आंसर बताएंगे, पेपर 2 के भी आंसर बताएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से दिखता जाए, ठीक है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आ जाओ फटाफट से और अपने आंसर्स को मैच करना, लास्ट में बताना कि कितने आपके सही हुए, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है डन है। तो ये हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप ओपन कर लीजिए और तब तक मैं अपने मोबाइल में कमेंट्स देखना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो कमेंट्स है वो हमें पहुँचते जाएँ। और कृष्णा सर आप जरूर आ जाइए 1 मिनट के लिए क्योंकि आप दोनों का डिपार्टमेंट सर हैवी है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर। देखिए क्या बोलते हैं, अब मैं तो इतने दिन के लिए आउट ऑफ कमीशन हो गया था तो कृष्णा सर ने पूरा एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस संभाला था, ठीक है। तो मैं बस स्टार्ट कर देता हूँ, जो जो लोग नहीं है उनका पोर्शन मैं करा देता हूँ, बाकी आप लोग हो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है सर। ओके अलाइन सर, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट यूजेस ऑन एफिशिएंट कॉलम कंटेनिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी फेज। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। नंबर 1 जो पहला आंसर होगा आपका दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके सो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर होगा। सेकंड है द फर्स्ट स्टेट वेयरहाउस वाज सेटअप इन, भाई देखिए जो पहला स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर स्टेट वेयरहाउस को सेटअप किया गया था दैट वाज इन बिहार। ओके फंगाई एंड डिजीज इन प्लांट्स वाज रिटन इन 1918 बाय 1918 में E.J. बटलर, ठीक है, इन्होंने लिखा था इस बुक को। द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज पॉसिबल बाय, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे सैनिटेशन मेजर्स ले सकते हैं, मतलब आपके फील्ड को प्रॉपरली आप क्लीन कर सकते हो, सोलराइजेशन कर सकते हो। ओके सेकेंड स्प्रे ऑफ मेटल एक्साइल एंड एज वेल एज बोटो मिक्सचर, इन तीनों का ही आप यूज कर सकते हो। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। ओके नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्रेसलेरा ओराइजा, ये चीज ध्यान रखिएगा, या फिर हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा जो कि प्रीवियसली कहा जाता था, ठीक है। जैंथोमोनास नहीं होगा। ओके जैंथोमोनास इज बैक्टीरियल ब्लाइट, तो अगर आप जैंथोमोनास लगा के आए हो जैसे कि इस पेपर में लगा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ड्रग व्हिच कैन कंप्लीटली डिग्रेड द सेल वॉल ऑफ जी पॉजिटिव बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन ऑफ बीटा 1,4 विंटेज इन म्यूरिन एसिड, द राइट आंसर हियर इज पेनिसिलिन। ओके बी ऑप्शन होगा। ओके देखिए यहाँ जो लगा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इस पेपर में स्टूडेंट ने लगाया है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। जो यहाँ पर लगा हुआ है वो आप सही तरीके से आप नोट करते जाइएगा, ठीक है सर। ओके काशी लालिमा जो है किसकी वैरायटी है, ये मैंने करवाया भी था और मैंने इसका पूरा ब्रीफ भी बताया था। तो काशी लालिमा जो है ओकरा की वैरायटी है जो कि आपके वेजिटेबल रिसर्च सेंटर काशी से डेवलप की गई है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ सर कम दिख रहा है इसमें ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन सेल। अच्छा लाइट गिर रहा है, हाँ लाइट गिर रहा है। द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन सेल, भाई एनर्जी साइट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी है, ठीक है, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस सेम रहेगा तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूशन व्हिच कवर्स ट्रेडिशनल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आपका KVIC होगा, दैट इज खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन C3 प्लांट्स व्हिच एंजाइम फर्स्ट रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म PGA, यहाँ पर आंसर सही लगाया है स्टूडेंट ने दैट इज रूबिस्को। ओके Dash dominates the tropical and subtropical grassland and savannas and dash dominates the world's cooler temperature grassland region, ठीक है भाई। कूलर टेम्परेचर में आपको यहाँ पर C4 मिलेगा या C3 मिलेगा, एनीवन? कूलर टेम्परेचर में आपको C3 मिलेगा और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपको यहाँ पर C4 मिलेगा, ठीक है। सो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर आपको C4 प्लांट्स मिलेंगे, वहीं पे कूलर टेम्परेचर में आपको C3 मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। पोलन जनरेशन रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, राइट आंसर इज बोरॉन। ओके सही लगा है। लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय, बिल्कुल सर ये ICR द्वारा हुआ था, ये भी मैंने उसी टाइम करवाया था, ठीक 1979 में। ओके नेक्स्ट है सेवाग्राम जो है जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था, तो सेवाग्राम जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट किया, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो ये सब हिंदी में भी है, ठीक है सेम हिंदी में भी है, और आप लोग पूरा काउंट करना कि कितने आपके सही हुए, ठीक है। हाँ ओके नेक्स्ट है सर, वहाँ से आपको विजुअल हो जाएगा सर। Dash and Dash observed that a synthetic polynucleotide poly-U directs the synthesis of a polypeptide composed only of phenylalanine. Okay, so the right answer here will be क्या होगा आपका यहाँ पर B रहेगा, सही लगा है, ठीक है। That is Nirenberg and Mathai, so Marcel Nirenberg and Mathai. Okay, the pest हाँ हाँ नंबर 16। ओके क्वेश्चन नंबर भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी देख रहे होंगे। द पेस्ट विच अटैक्स बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज पल्स एंड पेस्ट फील्ड, दोनों जगह पे आपको पल्स बीटल जनरली अटैक करता है आपके क्रॉप्स को। ओके 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के 4 P's कौन कौन से हैं यहाँ पर? द राइट आंसर इज जेरोमे मैककार्थी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा आपके स्टैटिस्टिक्स पे। यहाँ पर उसे स्टैटिस्टिक्स आपके पोर्शन में तो नहीं था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया है कि फैक्टर्स लाइक स्पेसिंग ऑफ प्लांट्स, डेट ऑफ सोइंग एंड ब्रीड्स आर ऑफन यूज्ड एज, ध्यान रखिएगा। सो मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, मैं एक चीज आपको यहाँ पर आपको कहता हूँ, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। सबसे पहली बात है, जब हम डिजाइन्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक के बाद आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या है, फिर ट्रीटमेंट्स और रेप्लिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करते हो या ब्लॉक करते हो, पहले हमें सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सही तरीका ये होता कि लिखा होता कि भाई पहले कि भाई एक लैंड है, लैंड में सो एंड सो क्रॉप्स या वेराइटीज है, क्रॉप्स है, क्रॉप्स के बाद वेराइटीज है, वेराइटीज के बाद स्पेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया है कि भाई स्पेसिंग है, डेट ऑफ सोइंग या फिर ब्रीड क्या चीज होगा। अभी अगर मैं ब्रीड और वेराइटीज की बात करूँ तो ब्रीड और वेराइटीज ना आपके ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे जनरली स्पेसिंग भी दे रखा है, डेट ऑफ सोइंग भी दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स यहाँ पर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या इसके अलावा कोई दूसरा आंसर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर ये मल्टीपल चीजें हैं जो ट्रीटमेंट्स में भी आ सकती हैं, जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट में भी आ सकती है, तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको बीपीएससी ही बता सकते हैं, ठीक है। पर मैंने आपको सही चीज बता दिया, पहले आप ब्लॉक्स डिजाइन करते, पहले आप प्लॉट देखते हो कि भाई एक पूरा लैंड है, लैंड को होमोजीनियस प्लॉट्स में बांटते हो, प्लॉट्स में आप बात करते हो कि कौन से क्रॉप लोगे, क्रॉप के बाद कौन से वेराइटीज लोगे, फिर आप इन फैक्टर्स पे आते हो जो कि आपके स्पेसिंग होते हैं या डेट ऑफ सोइंग होते हैं, ठीक है ना। ओके सो आई गेस बहुत सारे बच्चों ने दोनों, जैसे इस स्टूडेंट ने यहाँ पर रेप्लिकेट्स लगाया है, बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंटल यूनिट भी लगाया होगा और ट्रीटमेंट भी लगाया होगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट क्वेश्चन तो है नहीं, सो मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पर क्या आंसर लगाया है, बट जैसा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है इसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ओके एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक के अलावा ये तीनों हो सकते हैं। यहाँ पर क्रॉप ग्रोथ रेट की अगर बात करेंगे, क्रॉप ग्रोथ रेट इज मेजर्ड बाय ग्राम मीटर स्क्वायर पर डे, CGR। नेट फार्म इनकम, नेट फार्म इनकम मतलब आपके पूरे फार्म पे आपका इनकम कितना हुआ, इनकम आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, मतलब ग्रॉस रेवेन्यू माइनस टोटल ग्रॉस कॉस्ट, ठीक है। सो द NFI इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करते जाइएगा प्लीज। 21 फिनाइल पायराजोल इज प्रेजेंट इन विच इंसेक्टिसाइड, ठीक है। सो कौन से इंसेक्टिसाइड में यहाँ पर फिनाइल पायराजोल जनरली पाया जाता है? सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज फिप्रोनिल। ओके सॉइल फर्टिलिटी ग्रेडियंट, वहीं से बोल दीजिए सर, नीचे वहीं से बोल दीजिए सर, बता दो आप। हाँ राममूर्ति, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी ग्रेडियंट अप्रोच राममूर्ति। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाय ड्रिफ्ट, भाई हवा की वजह से उड़ के चला जाता है दूसरी जगह, मान लो आपने यहाँ से स्प्रे किया और आकाश सर की ओर उड़ के चला गया, ठीक है। ओके और कृष्णा सर बहुत दूर बैठे हैं, उनके साइड चला गया, तो ये जनरली होगा जितना कम वॉल्यूम वाला स्प्रे होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा फाइन होगा क्या कहते हैं ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से ये उतना दूर जाएगा, ठीक है। सो द अच्छा, so the right answer is ultra low volume sprayer, ठीक है। लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इरिगेशन डैम और रिजर्वेयर इज बिल्ट ऑन विच रिवर। अब यहाँ पर हीराकुद आपको लग रहा होगा, लेकिन हीराकुद जो महानदी रिवर पर है वो लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाला नहीं है। लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है इंदिरा सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के ऊपर। उसे मैं स्टेट में बताया था, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, पर जहाँ तक मुझे पता है इंदिरा सागर नर्मदा आई गेस मध्य प्रदेश में ही है। ओके, व्हाट इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ? सर वैसे ये सबने बताया भी था कि ये 20 के आसपास होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छा ठीक है। इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। सी होना चाहिए सर, हाँ ये ना, हाँ ये सी होना चाहिए सर, राइट। तो 50 ppm यहाँ पर गलत होगा। एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एलिमेंट इन प्लांट्स ऑन ड्राई मैटर वेट बेसिस 20 ppm। पार्शियल फ्लूम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक फ्लो। क्यों सर कृष्णा सर, सही है ना? ठीक है सर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट, बिल्कुल सर ये सोलह पर महाराष्ट्र ही होगा, ये तो स्पर्श में आगे रखा है। व्हिच प्लांट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर? ये हां विनिया विंसा या पेरीविंकल, मतलब विंसा या पेरीविंकल सेम प्लांट है ना सर, वही है। साइंटिफिक नेम बहुत ज्यादा पूछा आता है, लेकिन इस बार उन्होंने नॉर्मली पूछा। मुझे बस नॉर्मल नेम पता है क्योंकि बेसिकली बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे सप्लीमेंट्स के, तो उसमें दिखता है। अच्छा तो 28 तक हो गए हैं। हां 28 से कितने सही है बताइए। नेक्स्ट 29 नंबर से ये भी करवाया हुआ है आपका। बोला गया है कि जो द प्रेजेंस ऑफ स्टेमन एंड स्टेल इन डिफरेंट फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट। अलग अगर जो मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग फ्लावर और अलग अलग प्लांट पे हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायोसिस बोल देते हैं। ये आपको पढ़ाया भी गया था, ठीक है। रेड कलर ऑफ सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो आपका सॉइल का लाल रंग होता है वो किससे होता है? मास्टर जी सो रहे हो आप तो। अच्छा किससे होता है? हेमेटाइट से होता है। नहीं 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। किससे होता है भाई? हेमेटाइट से होता है। आगे है न्यूट्रॉन प्रोब कंटेनर्स आर सोर्स मटेरियल ऑफ, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही लगाया है, बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है, क्लियर है। तो आपके 31 तक हो गए, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा रिफ्लेक्शन बढ़ता है। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द रूरल सिस्टम रिसर्च आइडिया बच मोटिवेटेड इन द ईयर। सर इसमें कैसे मोटिवेट किया गया था? ए है क्या सर? एमएस स्वामीनाथन 1998। अच्छा हाँ ठीक है, दोनों ऑप्शन एमएस स्वामीनाथन ने कहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका है 1988, ओके। आगे देखते फटाक से आ जाओ भाई। 33 नंबर का है द फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ठीक है भाई, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन है? आपके लीनियस साहब हैं, ठीक है। रूट प्रेशर जो थ्योरी है, या रूट प्रेशर किसे मेंटेन किया जाता है, किससे नापा जाता है? तो मैनोमीटर से नापा जाता है। नहीं ए ऑप्शन सही है। वायरस दैट ग्रो ऑन द बैक्टीरिया, तो उसे बैक्टीरियोफेज बोल देते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का फेजल लिखा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 35 का सी है। तो ब्रांचिंग ऑफ राइस कास्ट ड्यू टू द विच न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी? किसकी टॉक्सिसिटी? तो आयरन की टॉक्सिसिटी, ठीक है। और ग्वावा में जिंक की कमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? आयरन की टॉक्सिसिटी से हो जाता है, ठीक है। आगे देखो तो ये कितना था? 36 का डी ऑप्शन है, ठीक है। चलो 36 हो गया आपका मामला। आगे देखते हैं, आगे देखिए सर। द क्वांटिटी 7 यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड विद 25% एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब एआई आपका 25% है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 500 लीटर्स ऑफ द स्प्रे फ्लूइड ऑफ 0.25% स्ट्रेन। तो 25% एआई है, तो 25% डिवाइडेड बाय 100, 0.25 यहाँ पर सेम रहेगा आपका। 500 लीटर का आप यहाँ पर स्प्रे फ्लूइड जो है आप तैयार करोगे, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना पड़ता। तो 500 लीटर में 0.25% स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो 25/100 × 500, मतलब कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। 125, तो आपको यहाँ पर 25% चाहिए, तो 125 हुआ × 5, तो टोटल आपको 5 लीटर्स ऑफ चाहिए होगा, ठीक है। वो उसके बाद भी एक बार ये जो कैलकुलेशन है, हाँ इसका कैलकुलेशन वाले जितने क्वेश्चन है वो आपको अलग से करा दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के हैं। कृष्णा सर आपको कल अलग से जो है यहाँ पर सारे कैलकुलेशन के, हाँ परसों 12 बजे की क्लास में, क्यों सर परसों 12 बजे की क्लास में सारे कैलकुलेशंस को सर आपको अलग से करा देंगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ बोरन हैजार्ड फॉर मीडियम बोरन? मीडियम बोरन मतलब B3 से 38B, 4 to 5 ppm, yeah. Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion Act was enacted in which year? ये 2017 में एनेक्ट किया गया था, जो हमारा सर एपीएमसी है उसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन जो पुराना एपीएमसी था। तो इसका ए ऑप्शन, ओके इसका ए होगा सर ऑप्शन, 39 का ए। अब आते हैं 40 नंबर। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये सही है, सही लगा सर, गुड नेम ऑप्शन सही है। आगे सर, व्हाट इज द मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स वैल्यू फॉर सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में -33.3 टू -66.6 का यहाँ पर रहेगा मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स वैल्यू MDI, सॉरी। Richmond-Lange effect is associated with साइटोकाइन, सही लगा है. प्रोडक्शन ऑफ वन इज पॉसिबल विदाउट द अदर, मतलब मान लीजिए अगर दो चीजें हैं तो दोनों का प्रोडक्शन अलग अलग पॉसिबल है, लेकिन अगर आप साथ में प्रोड्यूस करोगे तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा. इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनको हम साथ में जनरली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रैक्टर और ड्राइवर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं. ठीक है. तो इनको आप साथ में ग्रो नहीं कर सकते हो. जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि अगर आप चावल ग्रो करोगे या गेहूं ग्रो करोगे तो आपको स्ट्रॉ तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसे ग्रेन्स और स्ट्रॉ को जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं. आज हॉर्टिकल्चर की सर आप इसको करिए, मैं जरा आपके क्लास को आगे मंडे के लिए से, तो ये आज आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास मंडे को होगी. ठीक है, 7 बजे तब आप ज्वाइन करना. ओके, नेक्स्ट में देख लेता हूँ. 43 तक हो गया आपका. ये इसका हिंदी में है तो हिंदी में आपको दे दिया गया है, डोंट वरी. ठीक है. आगे सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट ऑफ वीट सीड डन बाय कंट्रोल ऑफ. तो ठीक है, सोलर एनर्जी से हम किसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग लूज जिस्मन का ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है सर. ओके, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, बताते रहना सर, है ना. सीड ड्रिल एंड फंड मोर इंट्रोड्यूस बाई किसका, जो जेंथो टूर के द्वारा, सर इसका सी सही है. ठीक है, ओके, जेंथो टूर के द्वारा किया गया था. 45 का सी हो जाएगा. क्रायो प्रिजर्वेशन, ये तो भाई बहुत अच्छे से करवाया था आपको कि क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 डिग्री सेल्सियस रखते हैं. मैंने आपको अलग से लो टेम्परेचर के अंदर इसको सिखाया था. ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन. 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. ठीक है. द कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर क्या आंसर क्या रहेगा, 47 का. 47 का बी फॉर्म हो जाएगा ना सर, बी फॉर्म ही होगा. ठीक है, ओके. 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. बहुत से आंसर ऐसे जो पहले दिन में देखे थे. आगे देखते हैं. आगे है F1 प्लांट विद द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए. अच्छा, ये तो उन्होंने आराम से जो आपका मैम ने जो पित्रो मैम ने जो आपको करवाया था वहाँ उन्होंने कैलकुलेशन भी सिखाई थी, सेम कैलकुलेशन उन्होंने रख दी थी. तो राइट आंसर क्या रहेगा, 48 का बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी. एडवांस सेक्स फॉर्म इन कोकर बीड्स. अब देखो यहाँ पर दो तरीके से बच्चे गलत करते हैं, एक प्रीडोमिनेंट सेक्स फॉर्म होती है, एक एडवांस सेक्स फॉर्म होती है. एडवांस सेक्स फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, मोनोशियस होते हैं. ठीक है, जितने भी कोकर बीड्स हैं सभी में मोनोशियस कंडीशन पाई जाती है. ठीक है, लेकिन जो आपका क्या नाम है उसका, जो पॉइंटेड गार्ड होता है उसमें क्या होती है, उसमें डायोसिस कंडीशन होती है. ठीक है, प्रीडोमिनेंस एंडोमोनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया एडवांस, तो एडवांस में क्या जाएगा आपका, मोनोसिस जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, और ये मैंने करवाया है, नोट्स में भी आपको दिया है, आप इस पर चेक भी कर लीजिए, नोट्स में मैंने आपको दिया रखा. ठीक है, 49 हो गया. और 50 होता है इल्यूमिनेशन प्रोसेस टेक प्लेस. 50 का ऑप्शन हो जाएगा ए होराइजन, यानी ए2 होराइजन होता है. ठीक है, तो इल्यूमिनेशन किसमें होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, 50 तक आपके हो गए. 50 तक मामला ठीक चल रहा है. ठीक है, 50 तक कितने सही हुए भाई. ठीक है, ज्यादा गलत तो नहीं हुआ है. अच्छा, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं. कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्या है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा. 51 का ए, यानी कि बर्गंडी मिक्सचर. ठीक है, तो 51 का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा. आगे देखो, 5 स्टेज ऑफ सॉइल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय. ठीक है, इसका एक बार चेक कर लेना सर, मोर एंड बैरन. अच्छा, मोर एंड बैरन, यानी कि सी ऑप्शन. चेनी नहीं होगा सर, नहीं ए. ओके, ऊपर ही अच्छा, ऊपर ही रखा, तो 52 का हो जाएगा ए. ठीक है, तो 5 स्टेज का फिर दिया था, 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, 52 हो गया. 53 का है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कॉल्ड फ्लैश ऑफ सॉइल. ठीक है, उसे क्ले बोलते हैं सर. ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा. 54 में बात करेंगे तो टर्म फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड. फोर्थ जनरेशन का क्या जाएगा फिर, जुनाई बी. तो ये भी सब लोग बच्चे ने भी सही लगाया है, तो 54 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, आगे आ जाओ. अगला है यूजनॉल इज द इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड. अब देखो, यूजनॉल जो है सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लोब में होता है, लेकिन क्लोब के साथ साथ सिनेमॉन के अंदर भी पाया जाता है, जिंजर के अंदर भी पाया जाता है, कार्डमम के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होता है. अच्छा, एक और चीज है, वैसे तो ऑल स्पाइसेस भी एक स्पाइसेस होता है. ठीक है, ऑल स्पाइसेस भी क्या होता है, एक स्पाइसेस का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर ऑल और स्पाइसेस में गैप है, तो हो सकता है इन्होंने ऑल ऑफ दी अबव का इन्होंने ऑल स्पाइसेस लिख रखा हो. ठीक है, अगर ऑल स्पाइसेस मान लीजिए एक में दे रखा है, ठीक है, तो एक स्पाइसेस का नाम है, तब इस राइट आंसर क्लोब होगा, क्योंकि मेनली पूछा गया है तो क्लोब में होता है. ठीक है, वैसे क्लोब में भी सिनेमॉन में, कार्डमम में और जिंजर में, इन सभी में क्या होता है, यूजनॉल कंपाउंड पाया जाता है. ठीक है, तो अगर ऑल ऑफ दी ऑल स्पाइसेस लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अन्यथा ए हो जाएगा. ठीक है, क्लियर भाई. आगे देखो, The maximum profit can be achieved in agri business when the marginal return is equal. पता है सर, आपका डिपार्टमेंट है, जब मार्जिनल रिटर्न, हाँ मार्जिनल कॉस्ट है सर, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि अपने नहीं होती, सही है, डी ऑप्शन है. ठीक है, तो 56 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. आगे देखते हैं. The term damage threshold level (DTL) is also used for. ठीक, किसके लिए यूज होता है ये, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल. ठीक है, सी, तो 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ठीक है, कि भाई देखो एंटोमोलॉजी जो है मैम भी आपके है नहीं, और तो हमने उन्होंने ही जो जो चीजें बताई है, हाँ, तो उस हिसाब से बता रहे हैं। और वैसे मैम ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट है, सॉरी ये आपका डिपार्टमेंट है सर एकदम, क्योंकि ये एफएसएसआई जो है आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड जैविक भारत लोगो। भाई जैविक भारत मतलब ऑर्गेनिक इंडिया, ये जो है एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इन मेटाप्यूस्टिक, ठीक है, मेटान्यूस्टिक की अगर बात करेंगे तो ओनली वन एब्डोमिनल स्पाइरेकल इज फंक्शनल, तो ए जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बिलोंग टू व्हिच टाइप, मेरे ख्याल से बी होगा ना सर, बी, ठीक है बी होगा। नेक्स्ट, सॉइल व्हिच हैज स्ट्रॉन्ग इरोजन इज क्लासिफाइड अंडर 6 और 8, ठीक है ना, डी होगा। मुझे ज्यादा याद है 1 से 4 तक तो वो कल्टीवेटेड होती है, उसके बाद नहीं होती। सिंधु हाइब्रिड ऑफ वैरायटीज तो 50 बार करवाया है, एसआर है, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है, सीडलेस वैरायटी होती है, स्टेमलेस में कर भी पाई जाती है, भाई कई बार उनको बताया है। ठीक है, आम आ गया सर मार्केट में पायरी। हां, तो फर्स्ट सवाल मैप ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, तो सही आंसर है स्कोलस्की ने जो है, यानी ए ऑप्शन सही है। 63 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो जी, according to NBSS LUP, India has been divided into how many agroecological zones? The right answer will be 20. 20 agroecological zones में divide किया गया। ये सर आप बटन के लिए पियर बहुत सरल आ गया था। ठीक है, वो लोग प्रोनस परिस्का लगाती हैं। देखो पियर का क्या होता है, मेनली हम लोग पायरस कम्युनिस होता है। ठीक है, पायरस कम्युनिस किसका होता है, पियर का बटन के लिए होता है। ठीक है, और पियर पीच प्लम इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसका क्या है बी ऑप्शन से हो जाएगा, जिन्होंने काट दिया भाई। ठीक है, काटा नहीं चाहिए। मोहर किससे प्राप्त होती है, तो देखो ये एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट में नहीं था, सिलेबस में नहीं था, बट एक क्वेश्चन आ गया है। स्टैटिस्टिक्स भी नहीं, दो आ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स दो आ गए हैं। तो मोहर जो है अंगोरा गोट से प्राप्त करते हैं, आपको क्लास में एक बार करवाया गया होगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक हो गया। फ्रूट क्रैकिंग एप्पल में किससे होती है, तो बोरान की कमी से फ्रूट क्रैकिंग होती है। ठीक, ज्यादातर सभी में बोरान की कमी से होती है। ठीक है, ट्रेड नेम ऑफ डाइमेथॉइड का ट्रेड नेम क्या होता है, फॉर डाइमेथॉइड ट्रेड नेम एक बार चेक कर लो, न्यूवाक्रोन या रोगोर है। ठीक है, तो रोगोर होता है। ठीक है, मैं एक बार चेक देख लूंगा। डोमिनेंट इपिस्टैटिक रेशियो क्या होता है सर, डोमिनेंट 69 कितना होता है, 12:3:1। ठीक है, 12:3:1 यानी कि डी ऑप्शन आएगा। 69 क्या हो रहा है, डी। 70 नंबर का क्वेश्चन, ये भी भाई सिलेबस में नहीं था। ठीक है, 70 नंबर का था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मेजर कार्प। ठीक है, तो यहाँ पर लेवो और रोहिता भी होगा सर, ना ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ए ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि इंडियन मेजर कार्प कौन सा है, साइंटिफिक नेम नहीं पूछ रहा है। जितने भी इंडियन मेजर कार्प है ना आपके, उनके बारे में पूछ रहा है, मतलब जैसे रोहू हो गया, काटला हो गया। ठीक है ना, तो लैबियो रोहिटा जो कि रोहू का साइंटिफिक नेम है, दैट इज अ टाइप ऑफ इंडियन मेजर कार्प। नेक्स्ट, ये तो हो गया 70 तक पहुंच गई गाड़ी सर। हाँ, 71 30 के बाद सर आपके कृष्ण सर संभालेंगे गाड़ी। व्हिच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर द एसोसिएशन विद द लैंड ऑफ पालमेयर। पालमेयर के लिए क्या है, तमिलनाडु ही पालमेयर स्टेट माना जाता है, उसका तो नेशनल जो ट्री मानते हैं उसको पालमेयर ट्री को मान लेते हैं, तो तमिलनाडु ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अच्छा, इन विच ईयर, ये तो परसों नर्सों की क्लास ली थी मैंने, तो हिस्ट्री करवाई थी आपको, तो मैंने लिखवाया था कि रागी को हम लोग कब से कल्टीवेट करते हैं, तो 1820 से करते सर, 1820 होगा ना। हाँ जी सर, तो लिखा था उसी दिन, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रो मोर फूड कंपनियन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1942 में स्टार्ट हुआ था, 19 ये फेल हो गया था, तो 1940 में फिर से स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका होगा अभी। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ था, 1942 में। आगे देखो, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, ठीक है, ये भी आपको करवाया गया था, मोसन को फोकोगवाई राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बी ऑप्शन। तो 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी देखते रहना कि कोई गलत हो जाए, ये बाद में बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, सुटेबल मैंगो वैरायटी हाई डेंसिटी प्लांटिंग 50 बार करवाया है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अम्रपाली यूज करते हैं, 2.5 × 2.5। ये आंसर, ये इसके ऑप्शन थोड़े से गलत है। रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर मेडो गार्डनिंग, अब देखो यहाँ पर अगर मेडो ऑर्चर्ड की बात करते हैं, तो मेनली अगर हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हम ग्वाबा में मेडो ऑर्चर्ड अपना रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं, वो 2 × 1 करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैंगो के केस में, अल्फांसो वगैरह में हम लोग अपना लेते हैं, वहाँ 5 × 2 कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कुछ एक और होता है पियर वगैरह, पियर में यूज करते हैं, वहाँ हम लोग 3 × 1 यूज कर लेते हैं, तो अलग अलग होता है। यहाँ पर वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो गार्डनिंग में सामान्यतः 5 × 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो हम क्या करें, किस पे छोड़ेंगे, बीपीएससी पे छोड़ेंगे कि क्या वो राइट आंसर देते हैं। तीनों का क्या क्या होता है, मेनली हम लोग मेडो, जो मेनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने इसको डेवलप किया था, और उन्होंने 2 × 1 ही इसका राइट आंसर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रेडिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, यहाँ पर थोड़ा कमी दिख रहा है हमको, पवन ब्रोकर्स। ठीक है, pawn brokers. Credit is obtained from pawn brokers by placing movable properties as security. जैसे ही movable properties दिखा, यहाँ पर स्टूडेंट ने mortgage लिख दिया. ध्यान दीजिएगा, जो movable properties हैं उसके साथ साथ pawn broker भी लिखा है. ठीक है, मैंने कई बार कहा है, वैसे इकोनॉमिक्स मैंने यूट्यूब पे तो पढ़ाया नहीं है, ठीक है, या पेड क्लास में बताया था पढ़ाते वक्त कि जो pawn brokers होते हैं उनके पास हम मेटल्स वगैरह रख के जनरली लोन लेते हैं, जिसको चैटल लोन कहा जाता है. ठीक है, मॉर्गेज नहीं होगा यहाँ पर. मॉर्गेज ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपके पास गाड़ी है, ठीक है ना, ओके, जो भी चीजें हैं, तो वहां पर आप मॉर्गेज के बारे में बात करोगे. दिस इज नोन एज चैटल लोन. पॉन ब्रोकर जहां पर आएगा उसे हम चैटल लोन कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सर. वेयर वाज द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, कहां पे है ये? फरीदाबाद होना चाहिए मेरे हिसाब से. फरीदाबाद, ओके, 78 तक हो गया. कैसा क्वेश्चन ऊपर उसके हो गया कुछ. ओके, वो इज क्रेडिट विद द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ कोल्चिसिन. तो कोल्चिसिन को सबसे पहले क्रेडिट किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा? राइट नहीं डिस्कवर किया था. ठीक है. व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरियाज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल? तो सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल से ही होता है, तो 29 ही होगा. ठीक है, क्यों मैक्सिमम एलुवियल सॉइल से ही होता है. ओके, आगे देखिए, लिखा है अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम. अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया. 6/12 1/2, तो 1/2 सही है. ठीक है, यानी कि 89 का बी ऑप्शन सही रहेगा. अकॉर्डिंग टू द रूट डेप्थ, राइस, पोटैटो एंड अनियन. तो अनियन तो आपका सैलो ही होता है, ठीक, तो राइस भी है, पोटैटो भी है, तो यानी कि ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. 91. अभी तो द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एबी साइड्स जो है, इनका राइट आंसर क्या रहेगा? फिर एक बार चेक कर लीजिए. मिथाइल पैराथीन सही है. ठीक है सर. What is the recommended IFLO silver certified cotton? तो 50-30 होता है यहाँ पर. आप 30 आराम से लगा सकते हो. 145 और 147 होता है. Which of the which is single seeded cocker beets? ये तो exact आपको करवाया गया था. ठीक है, बी ऑप्शन. तो चोचो, ठीक है, चोचो क्या होती है? सिंगल सीडेड कोकर बीट्स होती है. ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है. A device for the measuring production and leaching loss from column of soil under controlled condition is known as. ठीक है, उसे लाइसीमीटर बोल देते हैं. ठीक है, यानी कि 94 का डी सही हो जाएगा. आगे फटाफट देखो. Which of the following herbicide used to control weed in zero tillage? तो paraquat right answer होगा. 95 का C option सही हो जाएगा. आगे देखो. Decrease the freedom of for chi square test in case of contingency table of order 4 to 3. ठीक है, तो यहाँ पर 34 होगा. ठीक है, तो क्या 96 का A हो जाएगा. ठीक है. Which one among the following predominant species cotton grown in India? तो mainly जो है Gossamer hirsutum ही grow किया जाता है, American cotton. ठीक, right answer हो जाएगा. आगे देखो. फिर आपका 97. स्पेसिंग ऑफ फ्लोइंग वेजिटेबल पी. वेजिटेबल में 50 और सॉरी हम लोग 45-20 रखते हैं. 45-20 ऑप्शन में नहीं, 45-30 है. ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका. वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर्स. तो 52% तक नीदरलैंड में ही कट फ्लावर होता है. यहाँ पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है कट फ्लावर का नीदरलैंड होता है, 52% तक. ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? 99 का डी हो जाएगा. और द टर्म फंक्शनल मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, तो डीजे निकोलस ने दिया था. ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा. आप बताओ 100 में से कितने सही हुए, फिर पेपर 2 की बारी है जो खन्ना सर आपको करवाएंगे. बताओ 100 में से कितने सही हुए बाबू? कितने सही मार दिए? बोलो भैया. आरती मिश्रा, साहिल, आशु, सरोज, आपके कमेंट में अपने मोबाइल में देख लेता हूँ. सर आ जाइए आप भी. तो लगभग आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए हैं? ठीक है, आपका पेपर 1 तो हो गया. ठीक, थोड़ा स्पीड में हमने कराया. 17 मिनट ही सर लिया मुझे लगता है. 17-18 20 लगभग आधा घंटा. ठीक है, तो आधा घंटा ज़्यादा हो गया. 40 मिनट हो गया. अच्छा, फिर बड़ा फास्ट क्लास 40 मिनट. ओके, 73. ठीक है, चलो अब बारी आती है आपके सेकंड पेपर की, जिसको आपको फर करवाएंगे आगे है. ओके, हाँ, इसमें संदीप सर भी थोड़ा सा सहयोग देंगे. हाँ, चलिए, तो देखो संदीप सर का 5वां देखो क्वेश्चन दिया भी है. तो क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट अंडर द ब्रांड नेम इंडियन ऑर्गेनिक? तो इसका जो सही उत्तर है वो अपीडा हो जाएगा. ठीक है, अपीडा आप लोग जानते होंगे. अपीडा है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मोस्ट वाइडली यूज्ड अर्थवर्म स्पीसीज फॉर वर्मी कंपोस्टिंग इन इंडिया. जैसे वर्मी कंपोस्टिंग बारे में जानते होंगे आप लोग. कंपोस्ट का मतलब होता है वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है कि ऐसी कंपोस्ट जो अर्थवर्म के हेल्प से बनाई जाती है वो बर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर देखो सेनिया फोइटेटा दिया, रूडिलस यूजनी दिया है, और यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, थोड़े से ब्लर हैं ये, तो इसका जो है एसेनिया फोइटेटा हो जाएगा। वैसे यूज़ ये भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो एसेनिया फोइटेटा किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट वन इज करनाल बंट जो है वो डिजीज़ किसका है, तो ये तो सभी को पता होगा, करनाल बंट जो गेहूं का डिजीज़ है, ये व्हीट का डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री, हाँ सर आ गया ये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन द ईयर, जो ठीक है, हाँ तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, संदीप सर बताइए सर कितना हो जाएगा सर, पीएमएफबीवाई 2016। तो यहाँ पर जो लगाया गया है वो किसी ने 2015 लगा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी संदीप सर ही बताएंगे आपको। Which of the following systems of farming does not involve farmers? Capitalistic sir, जहाँ पर completely मतलब जो क्या बोलते हैं कंपनीज है ना वो ग्रो करती है। हाँ तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा सही मैच नहीं है। इसमें व्हीट दिया है, 100 kg सीडेड दी है तो ये तो करेक्ट है, 100 किलोग्राम नॉर्मल सीडेड होती है इसकी। उर्द की बात करें तो उर्द जो है वो आपका 20 किलोग्राम होती है, सही है, 20 से 25 किलोग्राम सीडेट होती है। मस्टर्ड 10 किलोग्राम दिया और मेज दिया 18 किलोग्राम, तो मस्टर्ड का जो सीडेट है वो 5 से 6 किलोग्राम होता है। तो जो इनकरेक्ट यहाँ पर पियर दिया है वो कौन सा दिया है, मस्टर्ड दिया है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। पहला है टेस्लिंग, तो मेज टेस्लिंग होती है इसमें, क्योंकि मेज के मेल इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेसल निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, टेसलिंग कहलाती है। इसके बाद टोबैको दिया है, क्या टोबैको में टॉपिंग की जाती है, यस, ये हमने मैराथन में सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, पैगिंग टिलरिंग ये सारी चीजें करवाई हुई हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो टॉपिंग इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट व्हीट दिया है और चिकपी, तो व्हीट में टिलरिंग होती है लेकिन चिकपी में पैगिंग नहीं होती है, पैगिंग जो रिलेटेड है वो किससे है, ग्राउंडनट से है, ग्राउंडनट में पैग बनते हैं, तो पैगिंग जो है रिलेटेड है किससे, तो इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर जो है वो डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ संदीप सर आपका है फार्म मैनेजमेंट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्म बजटिंग, नेट बजटिंग, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, नेट बजटिंग है, बगल से आंसर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट बजटिंग, पूरे फार्म को चेंज कर दिया, पार्शियल मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंटरप्राइज मतलब मान लीजिए आपके पास एनिमल और क्रॉप दोनों है, दोनों में से कोई एक को चेंज कर लिया, कोई एक एंटरप्राइज को, तो उसे एंटरप्राइज बजट, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, नेट बजटिंग हो जाएगा, ठीक है। जिन लोग एक रिप्लाई कर दो सर, मैं एजीटी का पेड कोर्स लिया हूं, अभी 3-4 दिन से कोई लाइव क्लास नहीं हो रहा है, आपका जो नेक्स्ट लाइव क्लास है वो 8 मार्च को स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। ये मोमेक्स प्राइम, और प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करो यार, लाइन से आपने बता दिया और हमने देख लिया एक बार, डोंट वरी, नहीं क्या बता के सर गुमराह कर रहे हो बच्चों को, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा नहीं करते सर, 8 मार्च से आपका जो नेक्स्ट पेड क्लास है वो स्टार्ट होगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड, इसमें देखो पेयर ज्यादा दिए हैं एग्रोनॉमी में, तो इसमें कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है, तो बरसीम का क्या वीड कासनी है, तो ये तो करेक्ट है, यस। पैडी का बथुआ जो है, पैडी देखो खरीफ सीजन का है, बथुआ रबी सीजन का, तो यही हो जाएगा, तो जहाँ यहाँ पर जो सही उत्तर है वो बी है। वीट का फ्लरिस माइनर है, सभी को पता है। पी का जो है वो प्याजी यहाँ पर दिया है, तो अगर हम देखेंगे बथुआ रबी सीजन का वीड है और यहाँ पर ये पैडी दिया, पैडी खरीफ सीजन का है, तो खरीफ सीजन की क्रॉप में रबी सीजन का वीड क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है वो सही है। नेक्स्ट वन इज एसआरआई मेथड जो है वो किसने डिस्कवर किया था तो हेनरी डी लेलानी, इनको तो जानते ही होंगे, ये एसआरआई मेथड इन्होंने ही डेवलप किया था, है ना। ये एसआरआई हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बचपन से कि मतलब फर्स्ट ईयर से 11th से हमको यही एसआरआई पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर अभी भी गलत कर लिया तो फिर क्या ही बताएं अब तुम्हें। इसके बाद दिया है हु इज द फर्स्ट पर्सन यूज द डेफिनेशन ऑफ वीड, तो ये तो पता ही होंगे, जैथ्रो टोल ने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी कि वीड जो है वो अनवांटेड प्लांट होते हैं, इन्हें फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रेड नेम ऑफ फ्लूक्लोरालिन, तो ये बासालिन होता है, फ्लूक्लोरालिन का जो ट्रेड नेम है वो बासालिन होता है, और फ्लूक्लोरालिन कैसा हर्बिसाइड है, पीपीआई हर्बिसाइड है, प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड है। इनमें बहुत सारी चीजें हमने आपको जो एग्रोनॉमी की मैराथन हुई थी लास्ट डे पे, वो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें करवाई थी। इसके अलावा एक हमने टॉप 200 सीरीज़ करवाई थी एग्रोनॉमी की, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे अगर आपने वो सीरीज़ देखी होगी। नहीं देखी होगी तो फिर बात अलग है ना। अगला क्वेश्चन दिया है डायरेक्टोरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च, तो ये जबलपुर में है, ये तो पता ही होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए ये तो पता ही होगा आप लोगों को, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए प्लांट को कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 17 है। पहले 16 थे, 1987 में कितने हो गए हैं ये 17 हो गए, जिसमें निकल जो है वो लेटेस्ट एडेड न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोबाल्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू बी एसेंशियल फॉर विच प्लांट। देखिए कोबाल्ट जो है वो कुछ प्लांट के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो सभी क्रॉप के लिए एसेंशियल हो, जिसमें जिनकी एसेंशियलिटी जो है सभी पौधों में प्रूव हो। तो कोबाल्ट जो है वो एसेंशियल नहीं है, बट इसे क्वासी एसेंशियल लेग्युमिनस क्रॉप के लिए कह सकते हो। लेग्युमिनस क्रॉप में क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, हम लोग सीड प्लॉट टेक्निक मान के चलते हैं कि सीड प्लॉट टेक्निक ही एक टेक्निक है। यहाँ पर गलती से लिख दिया गया। मैंने एक हमने YouTube पे भी वीडियो देखा था जहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था कि फील्ड प्लॉट टेक्निक के फादर कौन है, तो उन्होंने करेक्ट करके ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, ये सीड प्लॉट टेक्निक होगा। देखिए फील्ड प्लॉट टेक्निक जो है वो वासिन गोल्ट ने दी थी और इन्हीं को फादर कहा जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये मतलब इन्होंने ये देखा था कि अगर हम एक प्लॉट में किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो कितना न्यूट्रिएंट किस सोर्स से मिल रहा है, कितना न्यूट्रिएंट किस सोर्स से मिल रहा है, यही है फील्ड प्लॉट टेक्निक। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जेबी वासिन गोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आकाश सर को नींद आ रही है, काफी देर से जम्मू आ रहे हैं और हमसे कह रहे थे कि कृष्णा सर नींद में बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज फ्लेम फोटोमीटर यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ विच न्यूट्रिशन या विच न्यूट्रिएंट। ये फ्लेम फोटोमीटर मैराथन में हमने करवाया था, तो फ्लेम फोटोमीटर का यूज किया जाता है पोटेशियम को डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर सोडियम भी दिया होता तो सोडियम करेक्ट उत्तर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पी एफ वैल्यू एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पी एफ वैल्यू क्या होती है, तो 4.20 परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे अगर सॉइल मॉइस्चर टेंशन पूछा जाता तो कितना हो जाता, -15 बार। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है ये क्या कहलाती है, लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर कहलाती है, और फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। तो अवेलेबल वाटर हम ऑलरेडी आपको करवाया हुआ था मैराथन में, जिसमें हमने फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दोनों का जिक्र किया था, दोनों की बात की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्रॉप लॉगिंग कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट ट्राइड इन विच क्रॉप। तो क्रॉप लॉगिंग जो टर्म है वो किस में यूज होता है, ये आपका शुगर केन में यूज होता है। जनरली हम इसमें न्यूट्रिएंट को लीफ से डिटरमाइन करते हैं, लीफ में पता लगाते हैं कि न्यूट्रिएंट स्टेटस उसका क्या है। लॉजिंग का मतलब एकदम अलग होता है, लॉजिंग का मतलब है फसल का गिरना, यहाँ पर लॉगिंग का मतलब न्यूट्रिएंट स्टेटस से है, न्यूट्रिएंट स्टेटस का पता लगाना किसमें, पत्तियों में या प्लांट में। और नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इरिगेशन वाटर ऑन फार्म। तो कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, देखो लाइसीमीटर का ईटी में करते हैं, ईटी मेजर करने में, लीचिंग को पता लगाने में और परकुलेशन को पता लगाने में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एवेपोरीमीटर का यूज किया जाता है एवेपोरेशन को, टेंसीमीटर सॉइल मॉइस्चर टेंशन, बचा करंट मीटर। तो करंट मीटर का ही यूज हम करते हैं किसमें, वाटर के फ्लो को पता लगाने में, किसके, वाटर के फ्लो को पता लगाने में। तो सही उत्तर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट वन इज अगला क्वेश्चन दिया है, हाँ सर ये एक बार चेक कर लो आप, यूरिया वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एट। तो यहाँ पर देखो गुजराती होगा, मेरे ख्याल से गुजराती होगा है ना, फिर भी अगर चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, हमारे हिसाब से तो गुजराती होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर यूज्ड फॉर मॉइस्चर डिटरमिनेशन इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो इसमें बताना है कि नॉट यूजफुल फॉर दैट इज ऑर्गेनिक सॉइल। तो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का जो यूज है वो किसमें नहीं किया जाता है, वो ऑर्गेनिक सॉइल में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए। नैनो यूरिया पूछा है कहाँ पे, तो नैनो यूरिया पूछना चाहिए था ना, ये कौन से स्टेट पे पहली बार है। हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ गुजराती, हाँ गुजराती, ठीक है ठीक है। बाकी देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको लगता है क्वेश्चन मिसमैच हैं या आपको लगता है कि नहीं सर ने थोड़ा गलत बता दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑप्शन कमेंट में बता सकते हो, हम उसको देख के करेक्ट कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, कभी कभी होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज बेस्ट फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है उबड़ खाबड़ मृदाओं के लिए कौन सा इरिगेशन मेथड जो है वो बेस्ट माना जाता है। स्प्रिंकलर दिया, फरो दिया था, चेक बेसिन दिया था और बेड इरिगेशन दिया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? स्प्रिंकलर। देखो स्प्रिंकलर में क्या होता है, नोजल जो है वो सॉइल सरफेस से कुछ ऊपर सेट किया जाता है, तो चाहे हाँ तो चाहे आप सॉइल कैसी, चाहे फ्लैट हो चाहे अंडुलेटिंग हो, तो दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, तो अंडुलेटिंग के लिए ये सही हो जाएगा। हाँ सर आप बताइए। बच्चे बोल रहे हैं कि बिहार में 1935 में हुआ था, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ठीक है, चेक कर लेंगे आशीष, ठीक है चेक कर लेंगे, मैंने कहा भी है, मैंने चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हाईली टॉलरेंट टू साल्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रॉप जो है वो हाईली साल्ट टॉलरेंट है। तो देखो इन तीनों में से तो बिल्कुल कोई नहीं होगा, ना तो पोटैटो होगा, ना तो ग्राम होगा, ना ही मेज होगा। तो जो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सुगर केन। क्या हो जाएगा? सुगर केन यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हाँ अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्टिकल डेंसिटी रेंज फॉर मोस्ट ऑफ दी मिनरल सॉइल। मिनरल सॉइल की जो पार्टिकल डेंसिटी है वो मोस्टली जो मिनरल सॉइल है जो कल्टीवेट की जाती है वही मिनरल सॉइल है, तो इनकी जो पार्टिकल डेंसिटी है वो कितनी होती है। तो एवरेज आप लोगों को पता होगी 2.66 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर या मेगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ पर 2.52 और 2.7 मेगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन दिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सिचुएटेड लखनऊ। ये तो लखनऊ में ही है, ये तो सही लगाया गया है। क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन है। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है? जो सॉइल की, सॉइल में न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी होती है बैलेंस्ड मैनर में या बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में, यही क्या कहलाती है आपकी सॉइल फर्टिलिटी। और सॉइल फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है डायरेक्ट, और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्रॉप प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। बाकी ये आपका दिया है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन हम आपको मंडे को 12 बजे करवाएंगे, जो 12 बजे क्लास होती है हमारी, उसमें हम आपको कैलकुलेशन करवाएंगे। क्लियर। हाँ वैसे बेसिकली तो आपने सही कर ही लिया होगा, बेसिकली तो सही कर ही लिया होगा कि नाइट्रोजन इतना अप्लाई करना है, इतना P2O5 अप्लाई करना है, किससे अप्लाई करना है? अमोनियम फास्फेट से। तो आप तो आसानी से निकाल ही लिए होंगे, ठीक है। चलिए फिर भी हम एक बार करा देंगे आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो इसमें प्रिंसिपल एजेंट फिजिकल वेदरिंग का क्या नहीं है? तो क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत नहीं आता है, फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, है ना। हाइड्रोलिसिस में केमिकल भी ऐड हो जाते हैं, केमिकल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, विच साइंटिस्ट गिव क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट के जो क्राइटेरिया है वो तीन दिए थे। किसने? आर्नाउंड एंड स्टाउट ने दिए थे। रिफाइंड आर्नाउंड ने किए थे 1954 में, तो यही पूछा गया है रिफाइंड। तो क्या हो जाएगा? AI आर्नाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाँ ये सर एक बार आप लोग आप देख लो सर, 2018 और 19 के बीच में नेट इरिगेटेड एरिया इंडिया का कितना था। और बाकी ये कैलकुलेशन दी है, यहाँ पर कैलकुलेशन दी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने बता दिया है आपको, ये कैलकुलेशन मिलेगी मंडे को 12 बजे, ठीक है। मंडे को 12 बजे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है सर, ठीक है चलिए ओके, ये बता देंगे भी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात है ना सर 2018-19 का कोई याद नहीं करता, है ना। ये तो आ चुका है, हाँ हाँ लेटेस्ट आ चुका है। 2018-19 पूछा भी क्यों है? बस ये है कि फंसाने के लिए पूछ लेते हैं वो। ये एक बार नाबार्ड में हुआ था सर, रीसेंट करंट अफेयर एफओ में भी हुआ था। रीसेंट करंट अफेयर ना पूछ के लास्ट फॉरेस्ट एरिया याद है, 2019 का एफओ का एग्जाम, प्रीवियस फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट वन इज, इसमें भी देखो हाँ ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है। 71.5 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो ये देखो अगर हमें एट्राजिन की अमाउंट निकालना है, एट्राजिन की क्वांटिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट परसेंटेज एंड उसका जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है, यानी कि 0.65 डिवाइडेड बाई 80 होल मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 100 को मल्टीप्लाई कर देना इससे तो 65 आ जाएगा। 65 में को 80 से भाग कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी ऑफ सुगर बीट सुब्रा। सुब्रा, ठीक है, ये देख लेना आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है सनफ्लावर इज रेटेड एज गुड क्वालिटी ऑयल बिकॉज इट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी पीसेस ऑफ सिट्रोनेला। ये सर आप एक बार देख लेना, ये शायद आकाश सर का है। सिट्रोनेला आकाश सर पढ़ाते हैं, ठीक है, इसको बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया अवरोधी प्रजाति जो है वो किसके प्रति रेजिस्टेंट है। तो अवरोधी तो विल्ट के प्रति है। अवरोधी विल्ट की अगर हिंदी भी देखोगे तब भी अवरोधी आती है, ठीक है। तो ये अवरोधी डिजीज है, विल्ट डिजीज है, जिसकी रेसिस्टेंट वैरायटी जो है वो कौन सी है, अवरोधी है, ठीक है। ऑयल कंटेंट इन सॉफ्ट फ्लावर तो 38 से 40 समथिंग सॉफ्ट फ्लावर दिया है यहाँ पर, ठीक है, सही से देख लेना। एक सेकंड, सॉफ्ट फ्लावर ही है ना, हाँ सॉफ्ट फ्लावर। अगला प्रोसेसिंग ऑफ क्या दिया है, प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड कंटेंट। हाँ नहीं दिख रहा सर, ये क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। रेटिंग जनरली क्या होता है, उसको क्या करना, डिकम्पोज करना सिंपली कि इजिली ये अलग हो जाए। बाहर जो प्रजाति है वो आपकी पिजन पी की वैरायटी है, बाहर देसी वैरायटी है जनरली, बाहर तो पता ही होगा, ये तो बहुत ईजी वैरायटी है। इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था, तो नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दिया था नोरियो ने। किसने दिया था, नोरियो ने। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्पीसीज ऑफ कॉटन आर रेफर्ड न्यू वर्ड कॉटन। तो न्यू वर्ड कॉटन किसको कहा जाता है, हिर्सुटम और बारबाडेंस को कहते हैं न्यू, और अर्बोरियम और हर्बेशियम जो है वो ओल्ड वर्ड कॉटन होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी लगाया होगा वो सही है। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 79 to 86 नहीं करा है, कोई पेज छूट गया क्या? हाँ छूट गया होगा, लास्ट में देख लेंगे दिव्या, ठीक है, ठीक है, वो छूट गया होगा, छूट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ये तो पता ही होगा, ग्लाइफोसेट है। बाकी आपका क्यूजल फॉप, इथाइल 2,4-डी और एट्राजिन, ये तीनों क्या है, सेलेक्टिव है, बचा यही नॉन सेलेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। द टर्म IWCP रेशियो इज एसोसिएटेड विद। जो IWCP रेशियो, IW मतलब इरिगेशन वाटर, CP का मतलब होता है क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन। इसका जो यूज है वो किया जाता है इरिगेशन को शेड्यूल करने में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। किसी ने ऑल ऑफ दीज लगाया है, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। इरिगेशन को शेड्यूल करने के लिए हम IWCP रेशियो निकालते हैं हर क्रॉप का। अगर हमें किसी क्रॉप का IWCP रेशियो पता होगा तो हमें ये पता होता है कि इस क्रॉप में इस स्टेज पे इतनी इरिगेशन करनी है, इतने अमाउंट में इरिगेशन करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद नॉर्मल प्लाविंग डेप्थ कितनी होगी, तो नॉर्मल प्लाविंग डेप्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर होती है। 15 सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्लाविंग करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मली प्लाविंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कैलकुलेशन दिया, कैलकुलेशन मैंने बता दिया कब कराएंगे। इसके बाद राई ग्रास, राई ग्रास तो देखो आप लोगों ने सुना होगा, फॉरेज क्रॉप है ये। आप लोगों ने ट्रिटिकेल सुना होगा, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल जो है वो जनरली वीट और राई का क्रॉस होता है, वीट एंड राई का क्रॉस होता है। राई यहाँ पर R/E है, ये फॉडर क्रॉप है जो ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। हाँ ये हमने उसमें बताया भी था कि जो जब हम ट्रिटिकेल का क्रॉस बता रहे थे तो हमने बताया था कि मोस्टली स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं, इसे ऑयल सीड क्रॉप समझ लेते हैं जो राई है, ठीक है, नहीं, जबकि ये फॉडर क्रॉप है। अगला है केमिकल ग्रुप ऑफ पैराक्वेट। पैराक्वेट और डाइक्वेट का जो केमिकल ग्रुप है वो बाइपेरिडियम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एट एसिडिक 5.5 कंडीशन विच आयन इज डोमिनेंट इन सॉइल। इसमें बताना है आपको कि 5.5 पीएच पर कौन सा आयन जो है वो डोमिनेंट होता है। तो कौन सा डोमिनेंट होता है, H2PO4 होता है। किसी ने HPO4 लगा दिया है। प्राइमरी आर्थोफॉस्फेट, प्राइमरी आर्थोफॉस्फेट कम पीएच पर होता है, न्यूट्रल पे लगभग, सेकेंडरी और बेसिक पे फॉस्फेट आयन जो लास्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज श्री क्या दिया है लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, सुभाष पालेकर, सुभाष पालेकर जो है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज नेचुरल फार्मिंग। जो फार्मिंग नेचुरल कंडीशन में की जाती है जिसमें हम कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करते हैं, नेचुरल कंडीशन में ही जो न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं उन्हीं में हम क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो, दैट इज नेचुरल फार्मिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है एजिरेटम कॉनिजॉइड्स बिलोंग्स टू फैमिली। एजिरेटम कॉनिजॉइड्स की जो फैमिली है वो क्या है, कंपोजिटी को ही एस्ट्रेसी कहते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट वन इज मोनोक्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया विच रिसीव एनुअल रेनफॉल mm डैश mm। तो देखो मोनोक्रॉपिंग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है कितनी होती है 750 mm से कम होती है, वहाँ पर हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं। 750 mm जैसे अब कहाँ पर होगी, ये ड्राई फार्मिंग में। अब ड्राई फार्मिंग में यही इतनी रेनफॉल होती है और जितना भी एरिड ट्रैक्ट है वो सारा इसी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, एरिड के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद दिया है रिक्वायर्ड ऑफ नर्सरी एरिया फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ टोबैको इन 1 हेक्टेयर लैंड वुड बी 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ लोगों ने गलत भी लगाया होगा, 200 मीटर लगाया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर हम 1 हेक्टेयर एरिया में किसको लगाना है, हमें तंबाकू को लगाना है, तो हम नर्सरी कितने में लगाएंगे, 100 मीटर स्क्वायर एरिया में लगाएंगे। इसके बाद दिया है डेफिशिएंट अमीनो एसिड इन सीरियल, तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, लाइसिन। ये तो पता ही होगा सभी लोगों को, ये पहले भी हम करवा चुके हैं आपको। नेक्स्ट, इसके बाद द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन। मूंग बीन क्या है, मूंगी है, इसमें कौन सा जर्मिनेशन होता है, तो एपीजियल। जितनी भी देखो खरीफ सीजन की पल्सेस होती हैं उन सभी में एपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, किसको छोड़ के, अरहर को छोड़ के, हर अरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रोनॉमिक इरोजन परमिटिंग मेजर। तो इसमें बताना है कि एग्रोनॉमिक मेजर कौन सा नहीं है इरोजन को प्रिवेंट करने का, ठीक है, सॉरी परमिटिंग पढ़ दिया है मैंने, प्रिवेंटिंग है एक्चुअली, प्रिवेंटिंग, ठीक है, तो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कंटूर बंडिंग दिया है, कंटूर कल्टिवेशन दिया है, मल्चिंग दिया है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई है स्टूडेंट्स को, इसमें कहा गया था कि नॉट एन एग्रोनॉमिक मेजर। देखो यहाँ पर अगर आप टिलेज देखोगे, टिलेज भी एग्रोनॉमिक है, किसी ने टिलेज ही लगा दिया है, कंटूर कल्टीवेशन भी क्या है, एग्रोनॉमिक मेजर है, मल्चिंग भी एग्रोनॉमिक मेजर है, बचा कौन सा, बंडिंग, ये मैकेनिकल मेजर है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ए होगा, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, ए, क्योंकि बंडिंग और टेरेसिंग दोनों ही मैकेनिकल के पार्ट हैं और ये कहाँ पर अडॉप्ट किए जाते हैं, जहाँ पर लैंड स्लोप मोर देन 2% होता है। अगर लैंड स्लोप लेस देन 2% है तो वहाँ पर हम एग्रोनॉमिक मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे। तो तीन जो है वो लास्ट के तीन एग्रोनॉमिक मेजर हैं, यही नहीं है, नोट करके दिया था, ठीक है, यही आपको ध्यान से देखना था, ठीक है। अगर आप सुबह 1-2 पैक लगा के चले गए होंगे तो दिक्कत हो गई होगी, है ना, 1-2 पैक डाउन होंगे तो फिर ये नोट दिख ही नहीं रहा होगा किसी को। और सर एक्चुअली मैं बताऊँ, मोस्टली स्टूडेंट्स नोट नहीं देखते हैं, नोट नहीं, हाँ जल्दबाजी में पढ़ लिए क्वेश्चन और आंसर, हाँ। चलिए इसके बाद दिया है एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट किसने दिए थे, आर्नाउट एंड स्टाउट ने दिए थे, किसने दिए थे, आर्नाउट एंड स्टाउट। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एजोला बायो फर्टिलाइजर इज मेनली यूज्ड इन। एजोला बायो फर्टिलाइजर राइस में। अच्छा आप लोग कमेंट करके ये बताओ, जितने भी हमने एग्रोनॉमी के सेशन लिए हैं, जैसे मैराथन सेशन ली थी टॉप 200, आपको ये बताना है कि आपको इन सेशन से कितना फायदा हुआ है, कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, हाँ ये बताना है सभी को। इसके बाद रेनफेड फार्मिंग इज अ कल्टीवेशन, रेनफेड फार्मिंग इज अ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm। तो जो रेनफेड फार्मिंग है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 1150 mm रेनफॉल होती है। इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा सही उत्तर। इसके बाद इन विच राइस लॉजिंग इज डन। राइस, किस राइस में लॉजिंग नहीं होती है, नॉट अकर, लॉजिंग नहीं होती, मतलब जो प्लांट है वो तेज हवा या हाई रेनफॉल की वजह से नहीं गिरते हैं, दैट इज जपोनिका राइस। जपोनिका राइस जो है वो ड्वार्फ होता है, बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं इसके, तो जो छोटे प्लांट हैं वो गिरते नहीं है, वो गिरते नहीं। हमारे गांव में एक कहावत भी है, ऐसे लोग जिनकी हाइट कम है वो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, और ऐसे लोग जिनकी हाइट ज़्यादा है वो जल्दी ही डंडा टेक लेते हैं, वो सहारा लेके चलने लगते हैं। वैसे यह लॉजिंग का खेल है, ठीक है, जितनी वैरायटी ड्वार्फ होगी उतना ही लॉजिंग के कम चांसेस होंगे, ठीक है। चलिए अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज। सैटेलाइट फार्मिंग भी कहते हैं और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी कहते हैं, याद रखना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है सैटेलाइट और स्पेसिफिक। हमारे हिसाब से देखा जाए तो साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी इसी को कहते हैं और सैटेलाइट फार्मिंग भी कहते हैं। अब देखना है बीपीएससी को आंसर कौन सा दिया जाता है, तो आई थिंक सैटेलाइट फार्मिंग ही दिया जाएगा। वैसे होता साइट स्पेसिफिक ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक ही टर्म यूज किया गया। अगर यहाँ पर साइट भी होता तो हम इसको मान के चलते कि ये वाला होगा, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ओके। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सुगरकेन। सुगरकेन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, एरो, और एरो निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, एरोइन कहलाती है। ठीक है सर, आपकी कोचिंग की बहुत लड़ाई हुई है सर। अच्छा बड़ाई, सॉरी मेरी आंखों क्या हो गया। हम पटना के बच्चों से बात कर रहे थे तो बोले अड्डा बहुत ही मेहनत किया है हम लोगों के लिए। हाँ ये सही बात है, हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया है। जब हम लोग सेशन सर एक्चुअली जब मैंने 4 घंटे की मैराथन ली थी तो आकाश सर लास्ट में आए कॉफ़ी देने, लास्ट में। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, जब मैं हॉस्पिटल में था पापा को लेके तब दिमाग में यही आया कि अब क्या करें, अब मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं वापस भी नहीं जा पाऊँगा, आपका एग्जाम का डेट आ गया एग्रोनॉमी के लिए। तब एक कॉल मैंने किया कृष्णा सर को कि सर क्या आप एग्रोनॉमी पढ़ा देंगे। सर ने एक बार ये नहीं बोला कि सर मेरे तो बहुत क्लासेस हैं, मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं कैसे पढ़ाऊँ, कुछ नहीं। हाँ सर पढ़ा देंगे, अभी सॉइल साइंस चल रहा है, उसके बाद इतने क्लासेस चाहिए सर, मैं कंप्लीट कर दूँगा। यही चीज़ मैंने सर से पूछी थी और सर ने यही कही थी। तो मैं ये कहता हूँ ठीक है कि हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होता है ना, वो होता है कि अगर आप पैसे देके कोई भी बैच में एनरोल किए हो, चाहे वो 1000 रुपये हो, 2000 हो, 3000 हो, ठीक है, आपको किसी भी तरह की कमी ना हो बैच में, चाहे वो बैच हो, चाहे आपके टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन हो, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं ठीक है, ताकि आपको क्लासेस में कोई कमी ना हो। यूट्यूब पे इतने MCQs होते हैं, बैच में आपके थ्योरी होते हैं, तो अगर इन दोनों चीज़ को आपको मिला दोगे ना, यूट्यूब के MCQs और थ्योरी बैचेस के, तो मुझे नहीं लगता है आपको कहीं से भी आपके बैचेस में कोई कमी मिलेगी। ठीक है तो ये होता है, पता है यहाँ इस टीम में जितने मेंबर्स हैं ना, इनका प्राइम फोकस यहाँ पर जॉब करने का यही है कि हमें ना पढ़ाने में अपना बेस्ट देना है, बाद में बाकी चीजें हम देखें। ठीक है कंटिन्यू कीजिए सर। चलिए सर ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्या दिया है, टू नो द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया Which one is best measure considered? Satellite navigation, GPS भी हो जाएगा और ये यहाँ पर satellite imagery हो जाएगा। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है वो सही है, क्योंकि जो हम प्रेसिजन फार्मिंग करते हैं वो यही है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि राइट थिंग राइट टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम पता लगा लेते हैं हमें कितना इनपुट देना है, कितना क्या क्रॉपिंग सिस्टम रहेगा, वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैच क्रॉपिंग। तो कैच क्रॉप क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। जब हमारी मेन क्रॉप फेल हो जाती है तो उस सीजन को कंप्लीट करने के लिए या उस सीजन के बचे हुए दिनों को यूज़ करने के लिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को यूज़ करते हैं, जिससे हम कैच क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पर तोरिया करेक्ट है, तो तोरिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कैच क्रॉप का। ठीक है चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, कहाँ पर, पेरू, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। यहाँ पर ट्राइडेक्स प्रोकुम्बेंस एक वीड दिया है, इसमें किस टाइप का वीड डिस्पर्सल होता है या कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसकी वजह से ये मदर प्लांट से दूसरे फील्ड में या न्यू एरिया में पहुंच जाता है, दैट इज पैपस। कौन सा पाया जाता है इसमें, पैपस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, पैपस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साइप्रस रोटेंडस इज आल्सो नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, नट ग्रास कहते हैं। जनरली देखो जितने भी साइप्रेसी फैमिली के हैं वो सारे सज हैं, वो क्या है, सज हैं। तो जिसमें साइप्रस रोटेंडस हो गया, साइप्रस स्पीसीज हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, नट सज भी कह देते हैं या नट ग्रास कह देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, बंबू ड्रिप इरीगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट, मेघालय। बंबू ड्रिप इरीगेशन जो है वो कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, मेघालय में प्रैक्टिस की जाती है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सज वीड। देखो साइप्रेसी फैमिली के सारे सज हैं, अभी हमने बोला है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, साइप्रस स्पीसीज, तो यही तो सज है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सज बोलते हैं। इसके बाद दिया है द गैस जनरेटेड फ्रॉम काउडंग ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड। तो कौन सी गैस जनरेट होती है, बायोगैस, मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। आप लोगों ने क्या लगाया है, हाँ कृष्णा सर इज अवेलेबल वाटर पढ़ लीजिए बच्चों के भी क्या कहते हैं। देखो एक्सपेक्ट हम तुमको एक आइडिया दे देते हैं। ठीक है अगर आपके पेपर 1 और पेपर 2 मिला के पेपर वन और पेपर टू मिला के लगभग 140 प्लस हैं सही, ठीक है। और अगर आपने जीएस के 40 भी किए हैं तो समझ लो तुम सेफ जोन में हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, मीथेन गैस, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीथेन गैस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड ट्रांसप्लांटेड राइस। हाँ सर क्या हो गया, ऑल ऑफ द हो जाएगा, बायोगैस, अच्छा बायोगैस भी दिया है ना, ऑल ऑफ द, हाँ 71 का जो ऑल ऑफ दीज कर लेते हैं तो सर, हाँ ठीक है। हल्का फुल्का तो निकलेगा एनारोबिक में, निकलेगा सर, CO2 रिलीज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड इन ट्रांसप्लांटेड राइस। ट्रांसप्लांटेड राइस में क्रॉप वीड कंपटीशन सबसे ज़्यादा कितने दिन पे होता है, तो ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 15 से 25 दिन बाद, कितने दिन बाद, 15 से 25 दिन बाद। हाँ भाई अड्डा जिंदाबाद, और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे, ठीक है। इसके बाद दिया है IFOAM का पूरा नाम दिया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, तो पहले ही सही है, ठीक है, हाँ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़े ही बचे हैं सर। इसके बाद दिया है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ डैश कंटेंट 0.5 नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 एंड 0.5% क्या दिया है K2O दिया है, तो ये FYM फार्म यार्ड मैन्योर का ये कंपोजिशन है। अगला थोड़ा सा मैचिंग है, मैचिंग हम लोग अच्छे से करेंगे। देखो मैचिंग में कभी कभी फायदा हो जाता है, हमें एक मैच करना होता है सारे मैच हो जाते हैं, जैसे इसको देख लेते हैं तो इसमें मैच करना है हमें, ये वाटर रिक्वायरमेंट दी है, ये क्रॉप्स दी है, तो शुगर कैन की वाटर रिक्वायरमेंट सभी को पता होती है 1500 से 2500 होती है, तो ये हमको पता है कि C का 4 है, क्या है C का 4, तो C का 4 ये दिया हुआ है, बाकी के मुझे नहीं लगता किसी ऑप्शन में C का 4 दिया हुआ है, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A जो है वो सही है A, ठीक है। यानी कि जो आपका P है इसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है 350 mm, और यहाँ पर सनफ्लावर का वाटर रिक्वायरमेंट 600 mm, शुगर कैन का यहाँ पर दिया है 1500 mm, मेज का वाटर रिक्वायरमेंट बचा हुआ 500 mm, ठीक है। तो ये जो है सही हो जाएगा इसका, क्लियर। चलिए ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल बीड। बाइनियल बीड का एग्जाम्पल बताना है आपको, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है डाकस कैरोटा है ना, सर्सियम बुल्गेयर और सर्सियम चिकोरियम एंटाइवस, तो यहाँ पर तीनों जो बीड दिए हैं ऊपर ये तीनों ही क्या है बाइनियल बीड है। तो बाइनियल बीड हमने बिना पीपीटी वाली क्लास में, या अगर वीड साइंस का आप लेक्चर देखोगे बिना पीपीटी वाली क्लास में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से सारे आपको वीड साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने पढ़ाया ना अभी, जबकि अभी भी चल रहा है वो, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन हम आपको मंडे को कराएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर कौन सा है, ये देखो ये भी हमने उस दिन कराया था, और हमने ये भी कहा था कि हम सॉइल फर्टिलिटी को फोकस क्यों कर रहे हैं, इसीलिए फोकस कर रहे थे क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी जिसमें बायोफर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसमें फर्टिलाइजर के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें जो बैसिलस पॉलीमिक्सा, स्यूडोमोनास एस्ट्राइटा, स्पैरोजेलस नाइजर, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फादर ऑफ कम्युनिटी लेड वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो हरमन बैचर दिए हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, किसी ने सही लगाया भी है, ठीक है, हाँ और ये उम्मीद भी यही रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें फैमिली को मैच करना है, तो फैमिली को मैच करो, कॉटन की फैमिली, अच्छा एक सेकंड, मैच द कॉलम एंड बी करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन में मैच करना है, यही तो मैच करना है। तो देखो कॉटन की जो फैमिली है वो मालवेसी है, सबको पता है, जूट की फैमिली टिलियसी है, जबकि चेंज हो गई है ऑप्शन में टिलियसी है, तो ये, और लिनसीड की लिनियसी है, और बरसीम यहाँ पर क्या दिया सेसम, यहाँ पर बरसीम दिख रहा है मेरे को तो इसकी क्या है पेडलेसी, यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि आकाश सर क्यों बार बार ऐसे देख रहे थे, है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, उन्हें क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका मैच हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग मैच कर लेना एक बार, फैमिली तो पता ही होंगी सभी लोगों को। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ भी मैच कर लेते हैं, देखो पैडी खैरा है, ठीक है, अच्छा मिस इसमें बताना इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है, पैडी खैरा लगता है, बिल्कुल सही बात है। वीट ग्रासी सूट डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज एक्चुअली शुगर केन का है, तो यही हो जाएगा। ग्राउंडनट का टिक्का है जिसे आप लीफ स्पॉट भी कहते हो, जिसमें सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और सर्कोस्पोरा RHD कोला आ जाएंगे। पोटैटो का लेट ब्लाइट है, तो पता ही होगा, ठीक है। तो मिसमैच जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा वीट। इसके बाद पेडोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं? सॉइल की। अगर आपने ये भी क्वेश्चन नहीं किया है तो हम थोड़ा सा पानी देंगे तुमको, है ना, जिसमें जिसे कहते हैं चुल्लू भर पानी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था और हमने बताया भी था कि काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और वही है और क्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या दिया है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 बडेड सीड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ सुगरकेन। 1 हेक्टेयर एरिया में सुगरकेन को लगाने के लिए 3 बडेड सेट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो 35 से 40,000 होता है एक्चुअली, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है और वो 40,000 और 45,000 दिया है तो एवरेज यही हो जाएगा। तो ए जो है वो करेक्ट है, ए है यहाँ पर सही उत्तर। इसके बाद मैचिंग दी हुई है, यहाँ पर क्या दिया है? कॉटन वेराइटी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम लोग मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हो गया आकाश सर, आपको लगता है ज्यादा नींद आ रही है? ठीक है, तो कॉटन की रिलैक्स महसूस हो रहा है एक्चुअली, बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है क्योंकि बच्चों का मतलब मेन देखो एग्जाम सिर्फ बैच कंप्लीट कर देना मेन एजेंडा नहीं होता है, एजेंडा होता है कि बच्चों का एग्जाम कैसा हुआ। हाँ, और सर यही मैटर भी करता है, आप साल भर पढ़ाओ चाहे 15 दिन पढ़ाओ, जिसने 15 दिन में इतने क्वेश्चन आपको दे दिए या आपके क्वेश्चन उसमें से ही मिल गए तो वो ज्यादा बेटर है। आपने 2 साल पढ़ाया हो और एक भी क्वेश्चन ना आया हो आप कहो कि हमने पूरा सिलेबस करवाया है सर, तो क्या फायदा है उसका। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन, फिर हम लोग बातें करेंगे आराम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कॉटन की वैरायटी है देख लेते हैं हम लोग। चित्रा ग्राउंडनट की है तो सी का चौथा, तो यहाँ पर 2 हैं, इसमें से 2 हैं। ठीक है ना, और उपास 120 पिजन पी की है तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा? ए, तो बी का ए, तो यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट है। तो ऐसे ही मैच करने होते हैं, एक दो जो आपको पता हो वही मैच कर लो और बाकी तो मिल ही जाता है। इसके बाद यहाँ कन्वर्जन फैक्टर दिया है, कन्वर्जन फैक्टर दिया है फास्फोरस का, एलिमेंटल फास्फोरस में या जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो एलिमेंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो P2O5 में एक्चुअली हम 0.43 का, किसी ने गलत लगा दिया है, ये नहीं होगा, सही उत्तर क्या होगा? ये होगा। क्लियर? हाँ, सही उत्तर होगा ये होगा। ठीक है, तो P2O5 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.43 का, एक्चुअली क्या है कि P मल्टीप्लाई 2.29 तो हमें क्या मिलता है? P2O5 मिलता है। ये यहां पर अगर ये ऐसा होता तब ये सही होता। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर विल बी मोस्ट यूजफुल इन विच क्रॉप। ये देखो, ये हमारी अगर आप सेशन उठा के देख लो मैराथन, हमारे डिक्टो यही वर्ड थे, देख लेना यही पूछा जाएगा, है ना, यही पूछा जाएगा और वही है। देखो पैडी में यूज करते हैं और हमने ये भी बताया था कितने किलोग्राम नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है, ये भी बताया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है ईयर कोकिल डिजीज। ईयर कोकिल डिजीज जो है वो किसका है? ईयर कोकिल डिजीज जो है वो नेमेटोड वीट का है और किसकी वजह से होता है? नेमेटोड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? नेमेटोड की वजह से। नेमेटोड का नाम है एनगुना ट्रिट्साई, शायद, देख लेना फिर भी भाई, पैथो नहीं पढ़ाते हम, इना मैम नहीं है। ठीक है, अगर गलत भी हो जाता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इरिगेशन स्टेजेस मैच करना है, कौन सी कितने दिन पे आती है। तो सीआरआई 20 से 25 दिन पे आती है, ये तो पता ही होगा। टिलरिंग जो है वो आपकी 40 से 45 दिन पे आती है। इसके बाद फ्लावरिंग आती है आपकी 80 से 85 और मिल्किंग स्टेज आती है 100 से 105। ये भी करवाया है, ये भी करवाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो करेक्टली मैच हम देख लेते हैं भाई, कौन सा मैच नहीं है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, एकदम करेक्ट है। म्यूरेट ऑफ पोटास में 45% K2O दिया है। म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा जो है वो भैया 60% होती है, ये नहीं होती है, तो ये तो सही है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16%, पोटेशियम सल्फेट में 50%, तो ये जो है यहाँ पर ये करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि होना यहाँ पर क्या चाहिए? 60। इसमें इनकरेक्ट ही तो दिया है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर इनाम का एक क्वेश्चन है, आप लिख लो एक बार। बता दिए सर, बस कहा 2016 होगा ना। हाँ, ये लगा भी है इसका, तो इसका जो सही उत्तर है, सही लगा है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए ये वाला है सर, ये रह गया क्या? चलिए इसके बाद क्या दिया है, इसमें आपको बताना ये है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आप लोग खुद ही देख लो। बनियार्ड मिलेट का साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकलर, बस मिल गया। सोरगम बाइकलर सोरगम का होता है साइंटिफिक नेम, जिसे ग्रेट मिलेट कहते हैं। बाकी फिंगर मिलेट का साइंटिफिक नेम ल्यूसाइन कोराकाना, प्रोसो का पेनिकम मेलिएशियम, फॉक्सटेल मिलेट का होता है सिटेरिया इटैलिका होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज सिचुएटेड एट, तो ये इकार्डा जो है वो कहां पर स्थित है? एलेप्पो सीरिया में स्थित है। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरी क्लास उठा के देखो, फिर तुमको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तुमको ऐसा लगेगा कि यहीं से पेपर बनाया गया है। चलिए मुझे तो डर लग रहा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। व्हेन सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल इज इनएडिक्वेट ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन ड्यूरिंग एक्सट्रीम क्रॉप स्ट्रेस एंड विल्टिंग इट इज कॉल्ड। जब देखिए रेनफॉल का वाटर और क्रॉप रेनफॉल का वाटर जो सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है, जब ये वाटर सफिशिएंट नहीं होता किसी क्रॉप के लिए, तो ये ड्रॉट एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहलाता है। इसी को सॉइल ड्रॉट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो बी था। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो मेरठ, ये तो करवाया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। द प्रोसेस ऑफ रन ऑफ कलेक्शन ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ रेनफॉल स्टोर टैंक पॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो देखिए जब रेनफॉल होती है तो हम उस वाटर को क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। रन ऑफ वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, उसे एडवर्स कंडीशन में यूज करने के लिए या ड्रॉट की कंडीशन में यूज करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सही लगाया हुआ है भाई साहब ने, जो भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल enterprise which existing cropping system in upland yield high returns। ये एक बार सर देखो आप, ये क्या है? जी सर, आपका ही है। कहाँ गया सर? दिख रहा है इसमें, यहाँ से देखो सर। अच्छा, which of the additional enterprises with existing cropping system in uplands yields high returns। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एडिशनल एंटरप्राइज है, सही में नहीं दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम अपलैंड्स, मतलब ऐसे जगह जो जहाँ पर समंदर से दूर हो। ठीक है, यील्ड्स हाई रिटर्न्स। ओके, समंदर से दूर नहीं हो सकता है। ठीक है, सात समंदर पार, यील्ड्स हाई रिटर्न्स। ठीक है, तो हाई रिटर्न्स की अगर बात करेंगे, क्या आप सिल्वीकल्चर कर सकते हो अपलैंड में? बिल्कुल कर सकते हो। क्या डेयरी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। बायोगैस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ऑल ऑफ दैट विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं बस, है ना। क्या दिया है? कॉपन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और मीन एनुअल टेम्परेचर, ये दोनों ही सही हो जाएगा, ए बी बोथ। इसके बाद लीजा दिया है लो एक्सटर्नल इनपुट सप्लाई, ये जो है ये किससे रिलेटेड है? और तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से, नेचुरल फार्मिंग से नहीं है। ठीक है, लीजा जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ये खत्म हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो मंडे को हम आपको कराएंगे डिटेल में। ठीक है, अच्छा बच गए थे वो एक पन्ना छूट गया था ना सर, बच्चे वही बोल रहे थे कि सर एक पांच क्वेश्चन लो सर, एक से वो एक पन्ना छूट गया, कर लेते हैं सर। सर क्या कर रहे हैं? आपने कुछ कहा सर? क्या सर आप कह रहे हैं मैं बतिया लूं? किससे बतिया लूं सर? बतिया लो सर। अच्छा बतिया लो भाई, बताओ लगभग कितने सही में आप लोगों के? ठीक है, और बताओ या आज कशा सर का भाई पेपर फंस गया तो पार्टी भी देंगे। ठीक है, सर से पार्टी लेने के लिए। ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स होइए। आज रिलैक्स क्या होना है, बस इंटरव्यू तो निकाल ही लेंगे। अभी 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 आपका बीएचओ, हां आपका बीएचओ, तो आप तो बीओ बन जाएंगे। कौन सा फेज था? ये तो करवा दीजिए, ये तो पेपर बन ही है। पेपर 1 में 5-6 क्वेश्चन, हां तो पूरा कर दिया पेपर, उन्हें क्या रहेगा? हां ये रहा। The process of karyokinesis involves the division of nucleus, nucleus का division को ही karyokinesis बोलते हैं। In which year was wealth tax imposed on agricultural land? ये सर actually 1969 और 70 है, जहाँ पर wealth tax को हटाया गया था, not imposed। Wealth agricultural land पे wealth tax तो हमेशा से था। Okay, okay, okay. So if x and y are independent, the value of regression coefficient beta yx is equal to, ये जिसने भी infinite लगाया है गलत होगा। The right answer is 0। ठीक है, regression coefficient जहाँ पर independent होगा x और y, वहाँ पर regression coefficient आपका 0। Sir, on which of the following chromosomes Hollandric genes are present? Y chromosome में प्रश्न सर। ठीक है, Y chromosome। Next question, which plant hormone is used for root initiation in vegetatively propagated plants? Indole butyric acid use करते हैं, जो कि ऑक्सिन का ही पार्ट है। ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। The term idiotype, that is model plant, was introduced by the scientist Donald scientist। मतलब देखो आइडियो टाइप का मतलब क्या होता है, आइडियो टाइप को मॉडर्न प्लांट भी कहते हैं। एक्चुअल किसी कंडीशन में अगर हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ठीक है। जैसे ड्राईलैंड एरियाज, अब ड्राईलैंड एरियाज में अगर हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो उस क्रॉप के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, डीप रूटेड होनी चाहिए, अपराइट लीफ होनी चाहिए, है ना, और उसमें एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे यही है आपका आइडियो टाइप। और कुछ बचा था सर? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल सर चाइना, फ्रूट नोन एज मल्टीविटामिन चकोरमेनिस। सर ये 99 बच गया है क्या पेपर 2 में? नहीं बचा पूरा हो गया, नहीं 99 हो गया है, नहीं हो भी सकता है कि बच गया हो, लास्ट में चले जाइए देख लीजिए। अरे उसका मुझे याद भी है, हाँ ये गोट ही है, सही है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है गोट सही है, लीसा, ये लीसा वाला हो गया। चलिए तो और बताओ सर, बताइएगा कमेंट में कि कितने सही हैं दोनों पेपर में, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए, क्योंकि जो आपके हाथ में था वो आपने कर दिया, बस रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। और जो बच्चे BHO की तैयारी कर रहे होंगे भाई तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ब्लॉक हॉर्टिकल्चर, जो बच्चे हॉर्टिकल्चर से हैं भाई बहुत ही रिजल्ट है नहीं उनमें, तो आपके दोस्त वगैरह हो उन्हें बता देना कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर तैयारी स्टार्ट कर दो। सिर्फ हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल है? नहीं दोनों है, मतलब जो बहुत बच्चे इसमें हॉर्टिकल्चर एलिजिबल नहीं था। अच्छा इसमें नहीं था, तो आपके दोस्तों ने बता देना भैया आराम से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर अगर एक महीने में भी हो गया ना तब भी आपका सिर्फ फंस सकता नहीं फंस सकता है। अब आपको बता हमें मतलब क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देने की अब जरूरत नहीं है, अब आप खुद समझदार। चलिए बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और देखो सिलेक्शन होने के बाद यहाँ आओगे तुमको संदीप सर पार्टी देंगे। आप नहीं दोगे? मैं तो गिफ्ट दूंगा। ओह माय गॉड, ओके सर अलाइंड, ठीक है फिर मिलते हैं। टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।